ना सबसे पहले ये जो ट्रेंगल पैटर्न है ये ट्रेंगल पैटर्न का आपको लॉजिक तो बताया बट बत ट्रेंगल पैटर्न का भी प्रोबेबिलिटी इन्हांस हैं। प्रोबेबिलिटी इनह मतलब ऐसे कुछ पॉइंटर्स जिसमें एक ट्रेड का क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा अगर आप क्वालिटी वाले ट्रेड्स लोगे उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट करोगे तो डेफिनेट है कि आपको रिजल्ट मिलेंगे ओके सो गाइज एक ट्रायंगल पैटर्न के तीन प्रोबेबिलिटी हांसर्स होते हैं सबसे पहला है जितने ज्यादा पॉइंट्स कनेक्टेड उतना बेटर मतलब सपोज कि एक ट्रायंगल पैटर्न है जिसमें सिक्स पॉइंट्स कनेक्टेड हैं राइट और एक ट्रायंगल पैटर्न है जिसमें फोर पॉइंट्स कनेक्टेड हैं कौन सा वाला ट्रैंगल पैटर्न बेटर है ये वाला राइट right? इसमें फोर पॉइंट्स कनेक्टेड है इस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए आइडियली राइट मिनिमम सिक्स पॉइंट्स कनेक्टेड होंगे तो बेटर क्वालिटी का ट्रेड मिलेगा ओके, सो बेटर क्वालिटी का ट्रेड के लिए वी विल ऑलवेज ट्राई कि यहां पे सिक्स पॉइंट्स कनेक्टेड हो लॉजिकली एक पॉइंट बता रहा हूं बीच में गई एक लॉजिकली पॉइंट बता रहा हूं राइट right? ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न है ठीक है यहां पे प्राइस इस तरीके से आके क्या ये ट्रायंगल पैटर्न प्रॉपर है इज दिस अ प्रॉपर ट्रायंगल पैटर्न क्यों प्रॉपर नहीं है क्योंकि अब आपको लॉजिकली समझ में आ गया है कि सर फाइट किधर दिख रहा है ट्रायंगल पैटर्न मतलब फाइट राइट फाइट किधर दिख रहा है राइट सो गाइज ऐसे ट्रायंगल पैटर्न ट्रायंगल पैटर्न ही नहीं है राइट right? तो इस पर ट्रेड गलती से नहीं करना ओके okay? सो so जब आपको लॉजिक क्लियर होता है तब आप आंखों से समझ गए फाइट नहीं दिख रहा है ट्राइंगल पैटर्न ही नहीं है जाने दो ओके सिंपल सो प्रोबैबिटिन आंसर वन बताया प्रोबेबिलिटी इन आंसर टू एक ट्रायंगल पैटर्न का फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन से लेके ये जो एपेक्स पॉइंट है राइट right? यहां तक ये कंप्लीट ट्रायंगल पैटर्न का विथ है ओके okay? ये जो कंप्लीट विथ मींस कि ये फाइट चल रहा है बिटवीन दिस बायर्स एंड सेलर्स राइट ये जो विथ है ट्रायंगल पैटर्न का इसका 66 परसेंट मेजर करना है एंड 75 परसेंट मेजर करना है ओके okay? अगर ये सिक्सटी परसेंट एंड 75 परसेंट के बीच में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है मतलब कि वो बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड है क्यों देर इज अ लॉजिक बिहाइंडिस वट इज द लॉजिक गाइज हम चाहते हैं कि ये बायर्स और सेलर के बीच में फाइट चलता रहे लंबा फाइट चले क्यों लंबा फाइट चले क्योंकि जितना लंबा फाइट चलेगा उतना स्ट्रांगर विनर होगा ओके हम चाहते हैं विनर स्ट्रांगर होना चाहिए इसीलिए मिनिमम 66 परसेंट तक फाइट को चलने दो लेकिन फाइट 75 परसेंट से पहले खत्म हो जाना चाहिए क्यों क्योंकि अगर 75 परसेंट के बाद भी बायर और सेलर आपस में फाइट करते गए तो दोनों फाइट करते करते वीक पड़ सकते हैं और प्राइस साइडवेज जा सकती है।, है हम नहीं चाहते प्राइस साइडवेज है हम नहीं चाहते कि स्लैगिंग एक नॉर्मल सा गरीब सा मूवमेंट हो हम चाहते हैं कि स्ट्रांग मूवमेंट हो इसीलिए 66 परसेंट के बाद और 75 परसेंट के पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वो बेटर क्वालिटी का ट्रेड होगा आप बोलोगे कि सर मतलब ट्रेडिंग के टाइम स्केल लेके बैठना है राइट right? जैसे स्कूल में बैठते थे नहीं गईस आपको अपनी आंखों से जजमेंट लगाना है कि 66 एंड 75 परसेंट के बीच में लगभग लग रहा है कि नहीं 66 मतलब टू थर्ड 75 मतलब थ्री थर्ड थ्री फोर्थ ओके गुड सो गाइस ये प्योरली जजमेंट से देखना है कि ब्रेकआउट कहां पे हुआ है ग्रेट नाउ प्रोबेबिलिटी इन नंबर थ्री ऑफ अ ट्रायंगल पैटर्न गाइस एक ट्रायंगल पैटर्न का हाइट फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन से जो हाइट है उतना ही सेम हाइट यहां के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद हम मेजर करेंगे ओके okay? ये जो हाइट है ये जो लेट से हम लोगों ने मेजरमेंट किया इट मीन्स कि ये जो प्राइस है ये फॉल होके यहां तक आ सकती है ओके तो अगर ये प्राइस यहां तक फॉल हो सकती है तो हमारा टारगेट इसके ऊपर होना चाहिए ओके हमारा टारगेट इसके ऊपर होना चाहिए मतलब टारगेट यहां हो यहां हो यहां हो चलेगा इसके नीचे टारगेट नहीं होना चाहिए ओके सो इस तरीके से प्लानिंग करना है कि टारगेट इसके ऊपर ही आना चाहिए तो बेटर क्वालिटी का ट्रेड हो जाएगा ठीक है अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं ऑफ अ ट्रायंगल पैटर्न लेट्स से अदानी पोर्ट्स में डेली टाइम फ्रेम का लेट्स से so यहां पे ट्रेंड लाइन ये एक ब्यूटी ट्रायंगल पैटर्न ये देखो दिख रहा है आपको गाइस दिस इज द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन राइट एंड दिस इज सपोर्ट ट्रेंड लाइन ओके अगर यहां पे देखेंगे तो प्रॉपर एक ट्रायंगल पैटर्न है सिक्स पॉइंट्स भी कनेक्टेड है ब्यूटीफुल दिख रहा है ओके लगभग लगभग जो ब्रेकआउट हुआ हुआ है है देखो एंड के बीच में ऑलमोस्ट टू थर्ड आप देखो ये यह यहां से लेके यहां तक जो विथ है उसका टू थर्ड लगभग यहां तक होगा टू थर्ड उसके बाद ही हुआ है और थ्री फोर्थ लगभग यहां होगा इन दोनों के बीच में अंदाजा लगाना है राइट एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं करना है ठीक है अब ये ब्रेकआउट हुआ है सिक्सटी सिक्स सेवेंटी फाइव के बीच में मतलब लगभग ये अच्छी क्वालिटी का ट्रेड है अब थर्ड इन आंसर था हाइट का ओके सो हाइट कैसे मेजर करेंगे ये जो वेबसाइट पे एरो फंक्शनैलिटी राइट ये एरो फंक्शनैलिटी मैं यूज कर रहा हूं यहां पे लेट से ये जो हाइट है ये एरो यहां पे इस तरीके का ये जो हाइट है एग्जैक्टली exactly ये सेम हाइट ये ब्रेकआउट के बाद मैं यहां पे रख दूंगा ओके okay? मतलब ये ट्रैंगल ये जो प्राइस है ये आइडियली यहां तक ट्रेवल कर सकती है ओके okay? अब ये प्राइस अगर यहां तक ट्रैवल कर सकती है लेट्स सी यहां तक ट्रेवल किए कि नहीं यहां तक किए राइट एग्जैक्टली यहां तक किया प्राइस ने ट्रेवल हमारा टारगेट इसके नीचे होना चाहिए ओके okay? उसके बाद देखो प्राइस कहां चले गई कैन यू इमेजिन दिस Can you imagine this?